आज का दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, मगर इसके पीछे बहुत बड़ी ठीक है कि हम लोग ने ये तो देखा कि उन्होंने संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान उन्होंने लिखा, बहुत उनकी चर्चा हो। परेशानी हो या कोई तकलीफें हो या फिर कोई प्रेशर आपके ऊपर हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? हम लोग सबसे पहले पढ़ाई उसको अपने अपने से बहाना बनाते, आज ये नहीं हुआ तो आज ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। आप जरा अम्बेडकर जी की चीज को सीखे, जो कभी स्कूल नहीं जाते, जाते तो बाहर बैठा दिया जाता, उनको क्लास के अंदर नहीं आने दिया जाता, उनकी परछाई पड़ जाती तो उनको भगा दिया जाता, रिक्शे वाले रिक्शे में नहीं बैठा देते। आप उनकी वो प्रेशर वो परेशानी को सोचे कि स्थिति में वो जी रहे, वो उस स्थिति में भी 16 लैंग्वेज के ज्ञानी हुए, देश का संविधान लिखा, बाहर जाकर उन्होंने पढ़ाई की अपनी, इतना एजुकेशन उन्होंने हासिल इसलिए किया कि इन्होंने उस जिसको जब वो बहाना बनाना चाहते चाह सकते थे, वो बहाना बना सकते, मगर तब उन्होंने क्या लिखा, संविधान लिख डाला उसमें कि आज हमको जिस चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा है ना उसी को मैं संविधान में डाला। आज जो समानता की अभी बात हुई थी कि हम समानता में है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर हर चीज़ इसलिए बनाएगी कि लोग अच्छा जीवन जी सके, किसी हर भाई जो कि सबसे खूबसूरती या हर मजहब के लोग रहते हैं, किसी कोई परेशानी ना हो, उस तरह से पूरा कानून बनाए। जब उनको संविधान लिखना हुआ तो उनको जब नाम आया तो भी उनको नहीं भेजा संविधान के लिए, आगे नहीं किया जा रहा देश का संविधान लिखे, तो उनको बंगाल से राज्यसभा सांसद बना के भेजा गया, अब उनको फिर उसका हेड बनाया गया, तब जाके देश का संविधान लिखा। तो ये जो बहाना बनाते हैं ना कि पढ़ने के लिए मुझे पास ये नहीं है तो मेरे पास ये नहीं है, तो एक बार वो अम्बेडकर जी की जीवनी को पढ़ लीजिए तो उनको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी हकीकत में वो आप परेशानी सोचिए उस परिस्थिति में ना नेट था, ना बिजली थी, ना किताबें इतनी वो थी, कोई चीज़ आम नहीं थी उसमें। आप आज आप गूगल को देखिए, कुछ भी ढूंढना गूगल पर चले जाइए, आपको आज एजुकेशन इतनी आसान हो गई है कि आप जो आपके मन में आता है उसको यूट्यूब गूगल पर डाली वो आपको मिल जाती है। उस समय सोचिए जब उनको किताब भी नहीं दी जाती, स्कूल के बाहर बैठा दिए थे, भगा दिए जाते, मारा जाता, तब वो इतने काबिल बन गए। आज हमारे पास सब चीज़ है मगर हमारे पास बहाने बहुत ज़्यादा हो, वो बहाना बना सकते थे, उनके पास लाइट तक तो थी नहीं, उनको हमेशा हर चीज़ से दूर रखा है, मगर उन्होंने देश के मतलब लोगों के लिए एक नमूना बने, लोगों के लिए एक आइडल बने कि देखो पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हो, कोई बहाना नहीं बना सकता। वो उन्होंने बच्चों को अपने पूरे देश को पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि पढ़ने वाला कोई बहाना नहीं बना सकता अगर पढ़ना चाहे तो। उन्होंने ये लोगों को आने वाली नस्लों को ये सीख दे के गए, अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हो तो आप जो चाहते हो उस जिंदगी जिए, आपको वो चीज़ मिल जाए। अगर आप बहाने ढूंढ लेंगे तो बहाने आपको बहुत मिलेंगे, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है आप पढ़ाई ढूंढ लेंगे तो आपको सिर्फ पढ़ना ही रहेगा, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, वो रास्ते भी खुल जाते। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास तो वो चीज़ ये नहीं थी, आज मुझको ये नहीं पढ़ाया गया, जो बहाने होते हैं ना, तो एक बार अम्बेडकर को पढ़, अम्बेडकर जी को पढ़ लेगा ना तो कुछ समझ में आ जाएगा कि हम अपने आप को धोखा दें। तो देश का संविधान जो लिखा कि आज हम लोग इतनी आज़ादी से जी रहे हैं, इस दुनिया हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे, रोड पे गंदगी कर रहे हैं, ये वो वही आज़ादी है, वही संविधान। वरना आप गैर मुल्क में जाके देखिए, आप रोड पे कुछ फेंक के देख लीजिए, आप गलत तरीके से चल के देख लीजिए, आप गलत जगह बैठ के देखिए, आप पार्क में जाकर खड़े होकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे देश का संविधान ऐसा क्यों, इतनी आज़ादी क्यों। एक आज़ाद भारत में अगर आज़ाद उसमें हम लोग पैदा हुए हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक भी, यही आशा करता हूँ। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू।